हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए एपिसोड 3 मार्वल ज़ॉम्बीज़ रिटर्न्स का। इससे पहले के वीडियोस और प्लेलिस्ट आपको आई कार्ड्स में मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट्स हमेशा लाते रहते हैं। और इस वीडियो के अलावा कुछ अननोन फैक्ट्स हो जो आप जानते हैं तो हमें कमेंट करें। तो एक्साइटमेंट का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अर्थ जेड यानी अर्थ 91126। 2 साल बाद स्टार्क इंटरनेशनल के सब बेसमेंट में जॉम्बी जेंटमैन टेलीपोर्ट हो चुका था और कह रहा था मून से अर्थ तक तो आ गया, लेकिन फिर से ये टेलीपोर्टेशन का खेल नहीं खेलूंगा, ये स्मेल तो खाने की है। तब हम देखते हैं पेपर पॉट्स को, जो कि टोनी स्टार्क की पर्सनल असिस्टेंट थी। वो कुछ पेपर्स टाइप कर रही थी। पेपर कहती है, इस पे साइन कर दो टोनी, और चाइनीज़ तुम्हारे इंटरनेशनल और पेटेंट पर कंट्रोल ले लेंगे, और तुम्हें तो अपनी शराब मिल ही जाएगी इससे। तब टोनी कहता है, मैं पहले ही 3 खरीद चुका हूँ, ये मेरे इनबॉक्स में छोड़ दो। तभी टोनी का एक डिवाइस चलते हुए इंट्रूजन अलर्ट का मैसेज दे रहा था। उस पर हैप्पी, जो सेफ होता स्टार्क इंटरनेशनल का, वो पूछता है उस डिवाइस के बारे में। तब टोनी बताता है ये रीड रिचर्ड को सालों पहले वॉचर के लैब में मिला था। तब हैप्पी पूछता है ये सब बेसमेंट के बारे में कुछ बता रहा था। तब टोनी उससे बताता है सब बेसमेंट में मैंने 3 गैलन होज रखे हैं। तब हैप्पी उसे चेक करने चला जाता है। तब हैप्पी सब बेसमेंट पे सीढ़ियों से जाते हुए कुछ सेटेक ट्रेसेस देखता है जो गंदगी में थे, लेकिन वो जॉम्बी जाइंटमैन के दांत थे। ये उसे तब पता चलता है जब जाइंटमैन उसे काट लेता है। जाइंटमैन आगे कहता है, जब मैंने वॉचर को खाया मुझे एक मशीन मिली जिससे मुझे सभी यूनिवर्स का एक्सेस तो मिल गया, लेकिन उसकी की यही कही है, और तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। तब हैप्पी अपनी बची बॉडी के साथ सब बेसमेंट से निकलने लगता है। तभी दूसरी तरफ पेपर टोनी से कहती है, मैंने अपना काम खत्म कर दिया है, मेरे जाने से पहले तुम्हें कुछ चाहिए? उस पर टोनी कहता है, अगर मैं कन्वर्जन आउटपुट को इनहैबिटिंग रिफ्रैक्टर से डाल दूँ तो क्या होगा? तब जॉम्बी हैप्पी स्टार्क लॉबी में एक आदमी को काट लेता है। तब वहाँ खड़ा रोडी, जो कि हेड ऑफ सिक्योरिटी और टोनी का एक करीबी दोस्त था, वो हैप्पी को गोली मार देता है, साथ ही सारे यूनिट्स को अलर्ट कर देता है। तब वो लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे टोनी के पास जाना होगा, वो इस हालत में नहीं कि यह सब हैंडल कर सके। तब उसे पता चलता है कि एलिवेटर काम नहीं कर रहा। आर्क इंटरनेशनल के बाहर सारे जॉम्बिस को मॉनिटर पर देख कर पेपर कहती है, लोग वहाँ मर रहे टोनी, तुम्हें कुछ करना होगा। तब टोनी कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उस पर पेपर बताती है, आयरन मैन कर सकता है, अपना आर्मर पहनो। तब टोनी कहता है, मैं उड़ नहीं सकता, मेरे नर्व्स शॉर्ट हो चुके हैं, यहाँ तक कि मैं सीधा चल भी नहीं सकता। तब पेपर बताती है कि तुम नहीं करोगे तो मैं करूँगी। तब टोनी उसे बताता है कि आर्मर एक ब्रीफकेस में है और शायद ब्रीफकेस एक बाथरूम में। कैफेटेरिया में गार्ड्स उन जॉम्बिस पर इलेक्ट्रिक शॉक का हमला कर रहे थे, जिनसे उन्हें कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ रहा था। तब टोनी ये देख कर कहता है, गार्ड्स को नॉन लिथल वेपन्स देना एक गलती थी। रुको, क्या वो जेंटमैन है? और रोडी कहाँ है? उसे इस सब के बारे में कुछ करना चाहिए। तब हम देखते हैं रोडी एलिवेटर की केबल से ऊपर चढ़ रहा था। तब जॉम्बी जेंटमैन बाकी जॉम्बी से कह रहा था, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है और यहाँ कम खाना है, अगर तुम लोग मेरी बात सुनो तो सबको खाना मिल सकता है। यहाँ पर एक चीज़ है जो मुझे चाहिए और तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे, लेकिन आयरन मैन हमें कहीं मार ना दे, इसलिए पहले टोनी स्टार्क को ढूंढो और मार दो। तभी रोडी एलिवेटर से ऊपर आकर टोनी के पास जा रहा था, जहां वो रास्ते में सारे जॉम्बिस को मार रहा था, लेकिन जॉम्बिस बढ़ते ही जा रहे थे, और कहता है, वो अब भी आ रहे हैं, मुझे यही छुपना होगा, और वो एक बाथरूम में छुप जाता है। तब टोनी वॉचर का डिवाइस हाथ में लेकर कहता है, इस डिवाइस ने हमें वॉर्न किया था, ये जानता है कि क्या हो रहा है, पर कैसे? टिड को यह मून पर मिला था, उसने मुझे ये फिगर आउट करने को कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा कि इसे कैसे जोड़ा जाए। उस पर पेपर नाराज़ होकर कहती है, टोनी तुम अपने खिलौनों से खेलना बंद करोगे, हम यहाँ मरने वाले हैं और तुम्हें क्या हो गया है? टोनी वो डिवाइस नीचे फेंकता है। उस पर पेपर पूछती है, तो अब तुम कौन सा जादू दिखाओगे, एक हीरो बनोगे या कुछ और करोगे? तब टोनी अपनी दीवार पर लगी पेंटिंग हटाकर एक सीक्रेट सेफ खोलता है, जहाँ पर एक बॉटल थी,
और कहता है, मैंने ये बारिश के दिनों के लिए बचा कर रखी थी।